इसके बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें कॉन्सेप्ट है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। इसमें देखो क्या है, जैसा नाम से स्पष्ट है, समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब भुजा, मतलब दो भुजाएं एक समान होती, इक्वल होती हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। जैसे अगर ये भुजा मान लो ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो भैया ये ए सी भी 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन इसमें बी सी 5 नहीं होगी। अगर बी सी भी 5 हो जाएगी तो समबाहु बन जाएगा, ठीक ना, समझ में आई बात। दो भुजाएं एक समान होंगी कोई भी। इसकी विशेषता आप डालिए जल्दी से, विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, लिखो जल्दी से। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान माप की होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान माप की होती हैं। दूसरा विशेषता बड़ी महत्वपूर्ण है भैया, दूसरा ये है कि सम्मुख भुजाओं के कोण, ऐसे ही है, समान भुजाओं के सामने के कोण, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, समझ में आया, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, मतलब ये दोनों समान भुजा हैं तो इनके जो सामने का कोण है, सामने का कोण मतलब जान रहे हो, इस भुजा के सामने का कोण ये यक्स और इस भुजा के सामने का कोण ये 40 वाला, ये बराबर होते हैं, मतलब यहाँ से यक्स का मान भी 40 होगा। बात समझ में आई ना, दो विशेषता, पहला इनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरा इनके समान भुजाएं जो भी हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं आपस में, ये काम लगेगा आगे चल के, लिख लो जल्दी से, नोट कर लो फट से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना अगर आप यूट्यूब पर डेमो देख रहे हैं तो, अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो फिर इसको बना लो अच्छे से, कॉपी में लिख लो प्यार से।